पत्थरबाजी से दोनों का नुकसान हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं। जो भी पत्थरबाज है या जो भी समाज के माहौल को खराब करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो बेकसूर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जहां एक तरफ उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी के वन भूलपुरा में उपद्रव की घटना हुई, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है, तो वहीं इसी बीच वहां मौलानाओं की भीड़ पहुंच गई। दरअसल वन भूलपुरा में उपद्रव की घटना के बाद पुलिस प्रशासन के सख्त एक्शन मोड का रिजल्ट देखने को मिला है। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने वन भूलपुरा मामले में मुख्य आरोपी मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वन भूलपुरा में उपद्रव कर हिंसा फैलाने वालों की धरपकड़ तेजी से चल रही है। एसएसपी ने अलग अलग दर्जन भर टीमें बनाकर उपद्रवियों की गिरफ्तारियों के निर्देश दिए। घरों से निकाल निकाल कर उपद्रवियों को हिरासत में लिया जा रहा है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना ने बताया उनकी तलाश में कुछ टीमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली व अन्य राज्यों में भेजी गई है। बताया जा रहा है कि वन भूलपुरा हिंसा मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें निवर्तमान पार्षद महबूब आलम भी हत्थे चढ़ा है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है और जो एविडेंस कलेक्ट हुए सीसीटीवी और बाकी सब चीजों के आधार पर, उसके भी आप हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कंटिन्यूस जो सस्पेक्ट आ रहे हैं जिनके खिलाफ एविडेंस मिल रहे हैं उनको गिरफ्तारी करने के लिए टीमें लगी हुई है। शीघ्र ही बाकी लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन एक दिन ही हुआ, इन्वेस्टिगेशन चलते हो तो जितने तथ्य आ रहे हैं जिस तरीके से जा रहे हैं उस तरीके से हम कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में जब एक टाइम निकलेगा, जब एविडेंस कलेक्ट होंगे, उसके बाद में सब चीज़ों को जोड़ के देखा जाएगा कि सारे उपद्रव के पीछे कौन है और किसकी प्लानिंग के तहत ये हुआ है, तो उसके बाद हम कह पाएंगे कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। ये बात सही है कि जिस जगह को तोड़ा गया था वो जगह का निर्माण अब्दुल मलिक के द्वारा ही नजूल भूमि पर करवाया गया था, तो अब्दुल मलिक के द्वारा इसका विरोध किया गया था। जितने भी लोग जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका है या पुलिस पे इलीगल वेपन से फायरिंग की है या पत्थरबाजी की है, हम सब लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सबके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। वही हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर मुस्लिम संगठनों के नेता भी हल्द्वानी पहुंच गए। जमीयत उलेमा हिंद और जमात इस्लामिया हिंद के नेताओं ने एसडीएम हल्द्वानी से बातचीत की। हल्द्वानी हिंसा पर प्रशासन से बातचीत के लिए पहुंचे मुस्लिम संगठन एसडीएम से मिले। उन्होंने कहा कि बिना कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद बवाल हुआ और हकीकत ये है कि हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। लिहाजा ये अपील है कि लोगों में डर खत्म होना चाहिए। हमने जो अपील उनसे की है अमन अमान की और उनसे कहा कि भाई इस माहौल को जो है जैसे था उसी नॉर्मल हालात पे लाया जाए, तो प्रशासन कह रहा है हम इसको हालात को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि बेकसूरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, बेकसूरों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ऐसे ही हमारा सवाल था कि भाई इस तरह की जल्दबाजी में डेमोलिशन किया गया, आखिर मजहबी जगह है, लोगों की अकीदत वाबस्ता है। लोगों में ये भी मैसेज वायरल हुआ है कि आपके कुरान शरीफ रखे, किसी ने कहा भाई हमें निकालने दो, कोई जवाब आया नहीं नहीं कोई वक्त नहीं है निकालने का। वो लोगों में एक पैगाम गया कि आपकी मस्जिद को डेमोलिश किया जा रहा है और उसमें कुरान शरीफ भी है। अब एक हर एक मजहब की बात है कि जब उसकी इबादत गाह को या उसकी मजहबी किताबों को इस तरीके से बेहरमती की जाएगी तो लोगों में एक जज्बात पैदा होते हैं। हालांकि हम ये नहीं कहते कि बदअमनी फैलाया जाए, हम उसकी हिमायत नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था और थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, कोर्ट के ऑर्डर का आने का इंतजार करना चाहिए था। हाँ, आगजनी जिन्होंने की है, पत्थरबाजी जिन्होंने की है, पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई है। वीडियोज ऐसे भी आ रहे हैं कि इधर से पुलिस भी पत्थरबाजी कर रही है, उधर से पब्लिक भी पत्थरबाजी कर रही है, दोनों की वीडियोज हैं और आपने भी देखा होगा, मीडिया के लोग हैं आपके पास भी वो वीडियोज होंगे। पत्थरबाजी से दोनों का नुकसान हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं। जो भी पत्थरबाज है या जो भी समाज के माहौल को खराब करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो बेकसूर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वही जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधियों ने कर्फ्यूग्रस्त इलाके में जाने के लिए प्रशासन से अपील की थी, लेकिन प्रशासन नहीं माना। फिलहाल हिंसा में शामिल 5 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है, साथ ही 50 से ज्यादा संदिग्ध आरोपियों को भी पकड़ा गया है। इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स को भी उतार दिया गया है। हल्द्वानी के ताज चौराहा, रेलवे बाजार तिराहा, आंवला गेट चौकी, मंडी चौकी, मेडिकल चौकी, चारों तरफ से पुलिस के साथ पीएसी और एसएसबी जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, यानी कि तैयारी पूरी है और योगी वाला एक्शन ताबड़तोड़ चल रहा है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।